अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों, आप सभी को, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आज कितना अच्छा धूप किया हुआ है और अभी एक हफ्ते से बिल्कुल भी धूप नहीं कर रहा था और कपड़ा वगैरह भी अच्छे से नहीं सूख पा रहा था। तो आज थोड़ा धूप किया है तो मैं कपड़ा थोड़ा बहुत है तो उसको सुखवा देती हूँ सूखने के लिए। तो इधर देखिए दोस्तों, बच्चे लोग नाश्ता वगैरह भी कर चुके हैं और रोशनी स्कूल जाने के लिए अपनी दादी से चोटी बनवा रही है। तो दोस्तों, आज मैं नाश्ते में आलू का पकोड़ा और टमाटर का चटनी बनाई थी तो सभी लोग हम लोग नाश्ता कर चुके हैं और मजा आ गया आलू पकोड़ा खाकर। और इधर देखिए दोस्तों, रोशनी के फ्रेंड लोग भी आ गए हैं स्कूल जाने के लिए तैयार होकर। तो दोस्तों, उस दिन जो हम लोग सोना कांदा कोड़े थे तो वहीं पे रोशनी के दादा आज फिर से जगा रहे हैं सोना कांदा का गांछी को। तो इसमें अच्छे से खाद वगैरह डाल दे रहे हैं ताकि कि सोना कांदा का गांछी अच्छे से जिए। ये देखिए दोस्तों, सासू अम्मा से लेकर आए हैं कोचाई का कांदा और इसको बोल रहे हैं कि इसको जगा देना, जहाँ पानी निकलता है वहीं पे तो अच्छा से जग जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा कोचाई है, इसमें पत्ता भी निकला हुआ है और इसका जेर वगैरह भी है। चलिए इसको जगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वाला कोचाई कांदा को तालाब वाले पैर में जगा देते हैं। जब ये अच्छे से बड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम लोग अरबी के पत्ते का अंडहर सब्जी बनाकर खाएंगे। तो दोस्तों, इसको मैं यहीं पे लगा दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि पानी भी अच्छे से गिरता रहता है तो जल्दी से जग जाएगा। तो इधर देखिए दोस्तों, आज दो लेबर हमारे घर काम करने के लिए आए थे तो खाना खाने का भी टाइम हो गया है तो मैं इन लोग को खाना दे देती हूँ खाने के लिए। तो दोस्तों, मैं लेबर लोग को खाना वगैरह दे चुकी हूँ तो लेबर लोग खाना खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं चलती हूँ नदी। और दोस्तों, नदी में पानी कम हो गया है तो उसके वजह से नदी में भी आज ज्यादा मछली उतर रहा होगा। चलिए दोस्तों, नदी में जाकर देखते हैं, मछली अगर पकड़ाएगा तो पकड़ के आएंगे। और दोस्तों, नदी में सारू पत्ता का साग भी बहुत ज्यादा हुआ रहता है, अगर हुआ होगा तो उसका साग भी बहुत अच्छा लगता है तो उसको भी मैं तोड़ कर ले आऊंगी, फिर उसका सुखटी सुखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मछली पकड़ने वाला जाल को खोजते हैं, फिर देखेंगे जाके। दोस्तों, यही है मछली पकड़ने वाला जाल और इसको हम लोग कुम्हनी बोलते हैं। तो चलिए इसमें आज मछली पकड़ के देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से चलते हैं नदी और आज हम लोग बहुत दिनों के बाद नदी जा रहे हैं। तो दोस्तों, हर साल रोशनी के दादा ठंड के मौसम में इसी कुम्हनी में मछली फंसाते हैं नदी में ले जाके। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं हम लोग भी नदी, इस कुम्हनी में आज हम लोग भी मछली पकड़ कर लाएंगे। तो इधर देखिए दोस्तों, इस पूरे खेत में पूरा आलू जगाए हुए थे और आलू भी अच्छे से हो गया तो अपने अपने खेतों का आलू कोड़ के ले गए। तो दोस्तों, हम लोग भी अपने गोड़ा में आलू लगाए हैं लेकिन हम लोग का नहीं हुआ है और थोड़ा दूर में है। तो इधर देखिए दोस्तों, नदी का पूरा पानी खत्म हो गया है और नदी का पूरा पानी सूख जा रहा है और नदी को देख के बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है कि पूरा पानी नदी का सूख गया। तो इधर देखिए दोस्तों, पूरा मछली लोग इसी साइड में हैं तो हम लोग भी चलते हैं उसी तरफ, इधर ही जाल लगाएंगे हम लोग भी। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं नदी में और यहीं पर मछली शायद पकड़ाएगा। तो चलिए, कुम्हनी को यहीं पे फंसाने का जुगाड़ देख रहे हैं। तो इधर देखिए दोस्तों, एक ठो मछली पकड़ा भी गया, इधर हम लोग जाल लगा ही रहे थे कि एक ठो मछली हाथ से हम लोग पकड़ लिए। तो चलिए, जाल लगाने का तैयारी करते हैं, मैं यहाँ से कुछ डंडा तोड़ लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये पिलनी को अच्छे से छुपा के हम लोग को यहाँ पे फिट करना पड़ेगा ताकि कि कोई देखे ना, ये रात भर यहीं पे रहेगा तो इसमें बहुत ज्यादा मछली पकड़ाया होगा तो फिर हम लोग सुबह आके इसको लेकर जाएंगे। चलिए फिट करते हैं।
तो दोस्तों आप लोग इस तरीके से कभी मछली पकड़े हैं कि नहीं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मैं कुम्हनी को अच्छे से लगा दी हूँ, तो इसमें मैं 4-5 पत्थर डाल देती हूँ। तो दोस्तों नदी का मछली खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, अगर एक बार आप लोग भी खा लीजिएगा तो बार बार खाने का मन करेगा। तो दोस्तों अगर आपके तरफ नदी होगा तो आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, इसको सुबह लेने के लिए आएंगे और भाजी तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों मैं सारू पत्ता को तोड़ के घर ले जाऊंगी करके सोची थी, लेकिन यहाँ तो पूरा सारू पत्ता भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं पूरा सारू पत्ता खत्म हो गया है। शायद लगता है कि सारू पत्ता का सीजन खत्म हो गया है, और सिर्फ बरसात में ही ज्यादा अच्छा उसका पत्ता निकला हुआ था, और अभी देखिए एक ठो भी पत्ता नहीं है। तो चलिए दोस्तों मैं नदी आ ही गई हूँ, तो थोड़ा सा सरसों भाजी तोड़ के ले जाती हूँ। जो मछली का जाल हम लोग लगाए हैं तो उसको सुबह लेने के लिए आएंगे, तो सुबह लेकर जाएंगे और देखेंगे कितना ज्यादा मछली उसमें फंसा हुआ है। तो चलिए पहले भाजी तोड़ते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ताजा ताजा साग तोड़ के बनाने से बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं भथुआ साग भी तोड़ लूंगी, लेकिन भथुआ साग एकदम छोटा छोटा हुआ है, तो मैं अभी सरसों के साग को तोड़ ले रही हूँ। और दोस्तों आज सारू साग भी नहीं मिल पाया। तो ये देखिए दोस्तों मैं सरसों भाजी तोड़ चुकी हूँ और इतना में हम लोग का साग हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं घर, क्योंकि नदी में बहुत ज्यादा लेट हो गया है। तो दोस्तों हम लोग घर पहुँच चुके हैं, और इधर देखिए सासू अम्मा खटिया में सोकर धूप सेका रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या लेकर आए हो। और ये देखिए दोस्तों सरसों साग कितना अच्छा ताजा ताजा है। तो दोस्तों सासू अम्मा बोल रहे हैं कि साग को बहुत अच्छे से बनाना, क्योंकि एकदम ताजा साग है तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में भी। तो ये देखिए दोस्तों फूक झाड़ करने के लिए आए हैं चाचा हमारे घर, क्योंकि दोस्तों रोशनी के दादी का कमर में अचानक से दर्द हो गया है, इसीलिए इनको बुलाए हैं फूकने के लिए। तो ये अपने हिसाब से फूक झाड़ कर देंगे तो इनका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों 2-3 बार फूक झाड़ करना पड़ता है तभी वाला दर्द ठीक होता है, तो 2-3 टाइम आएंगे फूकने के लिए। और इधर देखिए दोस्तों आंगन में बच्चे लोग खेल रहे हैं, और इनको देख के खेलता हुआ मेरा भी बचपन का याद आ गया। हम लोग भी छोटे थे तो सभी लोग मिलकर इसी तरीके से खेलते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। तो ये देखिए दोस्तों अभी का टाइम लगभग 6:30 बज रहा है, तो मैं रात के लिए खाना सब्जी जल्दी से बनाकर रेडी कर चुकी हूँ, और रोज की तरह हम लोग डेली आग तपाने के लिए आ गए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़, बाय।